वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है पाइप फ्लेंज डिज़ाइन पार्ट वन। फ्लेंज डिज़ाइन में बेसिकली बोल्ट का यूज़ होता है, तो बोल्ट के बारे में और उसके मटेरियल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे कि ये हमारे पास पाइप है, ये पाइप है। इस पाइप के अंदर ये सारे हमारे बोल्ट्स लगे हुए हैं और नट्स लगे हुए हैं, बोल्ट्स नट्स लगे हुए हैं सारे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसको समझना चाहते हैं हम लोग, और इसको समझेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ जो है बोल्ट के मटेरियल और क्या क्या साइज़ जो स्टैंडर्ड्स में दिए हुए हैं उसको समझेंगे। लेकिन बेसिकली हमें इसका थिकनेस भी डिज़ाइन करना है, इसके पीसीडी वगैरह भी डिज़ाइन करना है, ये सारा कुछ करना है। लेकिन अभी जो टॉपिक है हमारा बोल्ट साइज और उसका एमओसी क्या है। इस टाइप के फ्लेंज होते हैं, फ्लेंज के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो उसको कमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी फ्लेंज में जो है एक उसका ओडी होता है, फ्लेंज का ओडी डिज़ाइन करना। उसके बाद ओडी के बाद इसका पीसीडी क्या होगा, वो नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स क्या होंगे और बोल्ट के साइज़ क्या होगा। तो ओडी हो गया, आईडी हो गया, नंबर ऑफ बोल्ट्स हो गए, बोल्ट के साइज हो गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग होल भी होगा और फ्लेंज का थिकनेस भी होगा। रेस फेस की रिक्वायरमेंट है तो रेस फेस को भी डिसाइड करेंगे, रेस फेस हाइट है, ये सारा कुछ हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी हम सिर्फ जो हमारा टॉपिक है ओनली फॉर बोल्ट साइज, कि बोल्ट क्या लग रहे हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ने क्या क्या हर साइज हर रेटिंग के लिए क्या उसने रिकमेंड किया है और क्या यूज़ कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब हम देखें कि पीएन 6 के अंदर ये सारे बोल्ट साइज 1400 तक यूज़ हुआ, यानी कि M10 से लेकर के M33 तक यूज़ हुए, ठीक है। 10, 12, 16, 20, 24, 27 और 30 PN6 में। और जो बोल्ट नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं ये 4, फिर उसके बाद 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, यानी 4-4 के मल्टीपल में दिए हुए हैं। उसी तरह से आप देखेंगे PN10 में, तो PN10 के अंदर भी बोल्ट साइज जो स्टार्टिंग है M12 से लेकर के M39 तक, और इसके अंदर नंबर ऑफ बोल्ट्स का भी मल्टीपल में 4, 4 दुनी 8, 4 3 12, 4 6 16, फिर उसके बाद 20 के बाद 24, 28, यानी कि 4 4 जोड़ता हुआ अब चले गए इसमें, इस टाइप से 4 4 मिनिमम 4 से लेकर के 4+4+ करते हुए गए। उसी तरह से आप यहाँ देखेंगे PN16 में भी सेम पैटर्न है, 12 से स्टार्ट किया है M45 तक किया, फिर उसी तरह से 4 4 का अंतराल है, 4 4+8 8 8+4 12 12+4 16 16+4 20 24 28 32 36, इस टाइप से। उसी तरह से अगर आप देखें एम
M25 के अंदर भी M12 से लेकर के M56, इसमें भी चार चार के इसमें है, 4 + 8, 8 × 4 = 12, 16 = 20 = 24 = 28 = 32 = 36। इस पैटर्न में हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड से मैंने ये सारा कंपाइल किया है, तो ये सारे बोर्ड के साइजेस हैं जो चार चार के इसमें जाएंगे रेशियो में। अब इंचेस में देख लें, ये बेसिकली 150 क्लास के लिए, क्लास 150 के लिए, तो इसके अंदर भी आपको जो मिलेंगे 4 4 के इसमें मिलेंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। और जो मिनिमम है हाफ इंच से लेकर के हाफ इंच, 1 5 by 8, 3 by 4, 1 इंच, इस टाइप से रेशियो में सारे हमारे बोर्ड साइज गए हैं। उसी तरह से 3600 तक 84 नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं चार चार के इसमें, उसके बाद बोल्ट साइज ये हैं। बोल्ट के जो एमओसीज, जो रिकमेंडेड एमओसीज हैं, कुछ इस टाइप से, हाई स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, निकल एंड स्पेशल एलॉय स्ट्रेंथ, ये सारे ग्रेड्स यूज होते हैं। और इंटरमीडिएट स्टेट में ये सारे ग्रेड्स हैं, लो स्ट्रेंथ में ये हैं, हाई स्ट्रेंथ निकल एंड एलॉय स्टील्स में ये सारे ग्रेड यूज होते हैं। लेकिन ये सब यूज करने के लिए आपको प्रेशर, टेम्परेचर्स, जो भी स्पेसिफिकेशन रिकमेंडेशंस हैं और जो आपके उसके ऊपर जो कोड होंगे गवर्नमेंट्स के, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से फिर बोल्ट के कुछ डायमेंशनल साइज के भी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे स्टड्स हैं, बोल्ट्स स्मॉलर देन इंचेस हैं, बोल्ट्स इक्वल टू इतना है, नट्स स्मॉलर देन इतना है, नट्स इक्वल टू एंड लार्जर है, एक्सटर्नल थ्रेड्स है, इंटरनल थ्रेड्स है, वो सारे के कुछ कार्बन स्टील्स में ये सारे यूज होते हैं, जो आपका ये सारे स्टैंडर्ड्स हम यूज करते हैं। उसी तरह से एलॉय स्टील्स के अंदर भी हैं हमारा, ये सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।